हेलो क्रिएटिव फ्रेंड्स, आज का क्राफ्ट मैंने सोफा सेट के कवर का यूज करके बनाया हुआ है। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं हूं चेतना पटेल और चेतनास क्रिएटिव क्राफ्ट चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो मैं एक दिन प्लाईवुड की दुकान पे गई थी, जहां से मैं मेरे MDF बोर्ड को बाय करती हूँ। तो वहाँ पर मैंने बाहर ये कैटलॉग पड़ा हुआ देखा। ये कैटलॉग हम जो सोफ़ा सेट बनाते हैं उसके कवर का कैटलॉग है, और मुझे ये पसंद आया और मैं इसे घर पे ले आई और इसका यूज़ करके मैंने आज का लिम्पनाट का क्राफ्ट बना लिया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे अच्छे कवर्स है और इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये दो कटआउट लिए हैं लोटस के, और इसका यूज़ करके हम आज का क्राफ्ट बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले के दो पार्ट को इक्वली ले लिया है और दोनों पार्ट को अच्छे से मिक्स करके हमने हमारी क्ले को रेडी कर लिया है। तो आप देख रहे हैं हमारी क्ले रेडी हो गई है। इसका हम छोटा सा पार्ट लेके इसे अच्छे से हम बेलेंगे। मैं यहाँ पे हथेली से बेल रही हूँ, आप उंगली से या स्पंज से भी इसे बेल सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारी ये लाइनिंग अच्छे से बेल के रेडी हो गई है। अब मैं इस लोटस के अराउंड फेविकॉल को पेस्ट करके यहाँ पे हमने जो बेली हुई लाइन है इसकी आउटलाइनिंग को यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम अच्छी तरह से ऐसे सेट करेंगे, और जहाँ पर हमें जॉइंट्स लगाने हैं वहाँ पर हम इसे तिरछा कट करके तिरछी लाइन है इसे ही हम पेस्ट करेंगे, जिससे हमारा ये कोना बहुत ही अच्छा दिखे और अच्छे से शेप में सेट हो सके। इस तरह से हम पूरे ये जो लोटस के कट है उसको इसके अराउंड इस तरह से मोल्डेड क्ले को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और आउटलाइनिंग को रेडी करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा लोटस ऑलमोस्ट ये क्ले लग के रेडी हो गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से तिरछा कट करना है, और आप तिरछी लाइन को ही ऐसे पेस्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा ये कोना बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। अब इसके ऊपर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे हमारा क्राफ्ट बहुत ही एट्रैक्टिव दिख सके। तो इस तरह से हम पूरे क्राफ्ट के ऊपर छोटे छोटे कट्स को लगाएंगे और इसे हम रेडी करेंगे। हमारे क्राफ्ट के ऊपर ये तिरछे कट लग के अब रेडी हो गए हैं। अब हम क्राफ्ट की बॉर्डर बनाएंगे, और बॉर्डर के अराउंड हम मोल्डेड क्ले की बेली हुई लाइन से आउटलाइनिंग लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा क्राफ्ट पूरा इस तरह से मोल्डेड क्ले लग के इसके ऊपर छोटे छोटे कट लग के रेडी हो गया है, और हमारा क्ले वर्क पूरा हो गया है। हम इन दोनों पीसेस के ऊपर कलर्स करेंगे। मैंने यहाँ पे पिंक कलर का यूज़ किया है, और मैं पूरे क्राफ्ट के ऊपर पिंक कलर के 3 कोटिंग लगाऊंगी, तभी ये कलर्स अच्छे से उसके ऊपर सेट हो सकेगा। तो इस तरह से हम पूरे क्राफ्ट के ऊपर, इस लिम्पन आर्ट के ऊपर, लोटस लिम्पन आर्ट के ऊपर कलर्स के 3 कोटिंग लगाएंगे। और मेरा दूसरा जो क्राफ्ट है इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर को अप्लाई कर रही हूँ, और इस ग्रीन कलर के भी हम 3 कोटिंग लगाएंगे। बहुत ही अच्छे से हम कलर्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और हमने जो ये कट किया हुआ जो शेप है इसके अंदर भी हम अच्छे से कलर्स को अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा क्राफ्ट ख़राब ना दिखे और बहुत ही सुंदर दिखे। तो इस तरह से हमने दोनों क्राफ्ट के ऊपर 3 कोटिंग लगा के हमारे क्राफ्ट को रेडी कर लिया है। ये क्राफ्ट सूख के रेडी हो गया है। इसके ऊपर अब हम एक्रेलिक गोल्डन कलर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं इस कलर को लगाने के लिए उंगली से टैप करके इस कलर को अप्लाई कर रही हूँ। आप स्पंज से भी इसे अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि हमारा क्राफ्ट गोल्डन कलर लगने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और गोल्डन कलर मेरे क्राफ्ट को एक अच्छा सा लुक दे रहा है। तो इस तरह हम पूरी आउटलाइनिंग के ऊपर गोल्डन कलर को अप्लाई करेंगे और अच्छे से हम इसे सेट करेंगे। इसके बाद हम
थोड़ी थोड़ी जगह पे हम टैप करके अंदर भी गोल्डन कलर को अप्लाई करके एक स्ट्रक्चर जैसा इस तरह से हम लुक देंगे, जिससे हमारा क्राफ्ट बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों क्राफ्ट के ऊपर गोल्डन कलर लग के अब रेडी हो गया है, और अब हम इसके ऊपर राउंड शेप के छोटे छोटे मिरर्स को फेविकॉल से पेस्ट करेंगे। ये बहुत ही छोटी साइज़ के मिरर्स है, और ये लगाने के बाद तो हमारा क्राफ्ट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये लोटस लिंपर्ड आर्ट, लोटस मर्ड मिरर वर्क मेरी वॉल को बहुत ही एट्रैक्टिव सा लुक देगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये लोटस लिंपर्ड आर्ट का क्राफ्ट अब बन के रेडी हो गया है। आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं क्लोथ का क्या यूज़ करूँगी? तो दोस्तों, अब हम इस क्राफ्ट के पीछे हमने जो सोफ़ा सेट का क्लोथ लिया है उस कपड़े को हम यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्रीम कलर का यूज़ किया है, और मैंने क्रीम कलर के दो पीसेस लिए हैं इस कपड़े के, और इस कपड़े को मैं फेविकॉल से इस क्राफ्ट के पीछे अटैच कर रही हूँ, जिससे हमारा क्राफ्ट है वो बहुत ही एट्रैक्टिव सा लुक देगा। और साथ में इसकी जो गैपिंग है वो गैपिंग को हम इस कपड़े से ढक देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये सोफ़ा सेट का कपड़ा लग के रेडी हो गया है, और हमारा क्राफ्ट भी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने पास पड़े हुए वेस्ट क्लोथ का यूज़ करके इस तरह से अच्छे अच्छे लिंपर्ड आर्ट के क्राफ्ट आप बना सकते हो। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों लोटस लिंपर्ड आर्ट के पीसीस बहुत ही एट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, जो मेरी वॉल को एक अच्छा सा लुक दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू वेरी मच।